ये जो चलिया है ये देर से सुनता है, लेकिन किशोरी जी जल्दी सुन लेती हैं। और वैसे भी आप देख लीजिए, माताएं जो होती हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है, भाई थोड़ा सा कठोर स्वभाव के होते हैं, लेकिन माताओं का हृदय बड़ा 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 ही सरल होता है। और मैं तो ये भी कह सकता हूं कि धर्म का कार्य जितना भी चलता है संसार में, 90% देवियों का ही कृपा है, 10% भाइयों की कृपा है, बाकी के 90% माता बहनों का जो प्रेम है धर्म के प्रति, भगवान से जो अटैचमेंट है, वो ही इस धर्म को आगे बढ़ाता है। अच्छा एक बात बताओ, काफी लोग हैं जो देवियों की बहुत बुराई करते हैं, ये थोड़ा जरा ध्यान से नोट करना हमारी बात, आप सभी, काफी लोग हैं जो देवियों की बहुत बुराई करते हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बुराई करते हैं, हमको उन पे बड़ा गुस्सा आता है। देवियों की बुराई मत कीजिए, देवियों के बिना, अच्छा चलो एक काम करो, देवियों के बिना एक सेकंड के लिए आप सोचिए आपका घर कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा देवियों के बिना। आप सोचिए घर में मां नहीं है, आप सोचिए घर में बहन नहीं है, आप सोचिए घर में पत्नी नहीं है, आप सोचिए घर में बेटी नहीं है, आप सोचिए घर में भाभी नहीं है, भुआ नहीं है, कोई नहीं है घर में, स्त्री जाति ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए उस घर की, वो घर कैसा होगा, वो जो घर होगा वो घर स्वर्ग तो कहीं से भी नहीं दिखेगा। स्वर्ग तो छोड़ दीजिए, वो घर घर ही नहीं दिखेगा। वो घर दिखता ही तब है जब उसमें मां होती है, घर दिखता ही तब है जब उसमें बहन होती है, घर दिखता ही तब है जब उसमें सुलक्षणा पत्नी होती है। जब हम घर में जाते हैं, देवी अपने पति का इंतजार करती हैं, 16 श्रृंगार करके उनका स्वागत करती हैं, फिर उनके कितना ध्यान रखती हैं, इनको नमक नहीं खाना है, इनको ये नहीं खाना है, इनको ये पसंद है, इनको ये पसंद, अरे हर तुम्हारी प्रिय अप्रिय वस्तु का ध्यान रखती हैं। ऐसी देवियों का अगर हम अनादर करें तो लक्ष्मी हमारे घर में नहीं ठहरेगी। देवियों के बिना घर की कल्पना करना, वो भी बेटी के बिना, जब घर में जाओ तो सबसे पहले बेटी आपके पास दौड़ कर आती है, तो उस बेटी के बिना आप घर की कल्पना कैसे कर सकते हैं। मुझे अमेरिका से एक बेटी दिख रही है यहां पे, जब मैं न्यूयॉर्क में कथा करने जाता हूं या यहीं से मैं टीवी पे देख रहा हूं उसे, और लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था वहां से कथा करके तो वो बेटी रो रही थी और बड़ी जोर जोर से रो रही थी। हां आप चाहें तो हाथ जोड़ सकती हैं, मैं आप ही से कह रहा हूं, बहुत छोटी सी बिटिया। और जब मैं अमेरिका, तो वो फीलिंग आप में आती है कि नहीं आप कहीं हो, कैसी हो आप, बढ़िया हो, आवाज पहुंचने में देर लगती है, अमेरिका आवाज पहुंचेगी टाइम तो लगेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ मैंने सुन लिया, अच्छी हूं सुन लिया मैंने, आप बोलना नहीं। लेकिन तो जब मैं वहां गया तो ये जो बिटिया है ये रोई वहां से, तो ये प्रेम है। बच्चियों के बिना, देवियों के बिना, बेटियों के बिना, माँ के बिना, बहन के बिना आप अपने घर की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए
बेटियों का, देवियों का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, सबको आदर करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि देवियों में ममता बहुत होती है, देवी करुणामयी बहुत होती हैं, और देवियों का स्वभाव भी बड़ा दयालु स्वभाव का होता है। अब आजकल थोड़ा सा खान पीन बदल गया तो थोड़ी कहानियां थोड़ी चेंज भी हो जाती हैं कभी कभी। खैर उस समय भी ताड़का पूतना और न जाने कैसी कैसी रही हैं, लेकिन वो उनकी गिनती ना के बराबर है, ना के बराबर। अधिकांश करुणामयी माताओं का चरित्र आपके सामने प्रस्तुत होता रहा है।